फरीदाबाद के सेक्टर 16 में देर शाम अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कारण था कि अदानी ग्रुप की पीएनजी गैस पाइपलाइन के फटने से लीक होने लगी। सेक्टर 16 की पुलिस चौकी के सामने यह हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह नई सब्जी मंडी और रिहायशी इलाका क्षेत्र है। इसके बाद यहां खतरा यह पैदा हुआ कि कहीं किसी को जान माल की हानि ना हो सके, लेकिन मौके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए लोगों को एक दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी और पूरा खतरा टल गया। तस्वीरों में मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रही भारी पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मौके पर जल्दी जल्दी काम करते हुए कर्मचारी उस गैस लीक को ठीक करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल अदानी ग्रुप की पीएनजी गैस लाइन का पाइप किन्हीं कारणों से फट गया और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस लीक होने लगी। मौके से गुजर रहे एक युवक ने ये सब देखा तो उसने पास में ही बनी सेक्टर 16 की पुलिस चौकी को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गैस का काफ़ी रिसाव देखा तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए सड़क पर हो रही लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया और फौरन ही अदानी ग्रुप की पीएनजी सप्लाई करने वाली टीम को गैस लीक होने की सूचना दी और मौके पर ही दमकल विभाग की गाड़ियों को भी बुलवा लिया। मौके पर पहुंचे अदानी ग्रुप की टीम जल्दबाजी में पहले तो इलाके को पीने का पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को भी तोड़ दिया, जिससे इलाके की पानी की सप्लाई रुक गई और उसके बाद दूसरी जगह जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर गैस लीक को रोका गया। चौकी इंचार्ज महिपाल सिंह की माने तो यहां गैस पाइपलाइन लीक हुई थी, बिल्कुल उसी के ऊपर बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत ही बिजली को बंद करा दिया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह पूरा इलाका रिहायशी क्षेत्र है और साथ ही मंडी बनी हुई है, जहां सैकड़ों लोगों की आवाजाही हर वक्त लगी रहती है, लेकिन समय रहते हुए कदम ठीक उठाया गया, जिसकी वजह से लोग आज सुरक्षित हैं और जान माल का नुकसान भी नहीं पहुंचा है। अदानी ग्रुप का जो ये पाइपलाइन लीकेज हुई है, कितना बड़ा हानि और नुकसान हो सकता था इससे जान माल का? इससे अगर इसमें ट्रांसफार्मर अगर गैस से आग पकड़ लेता तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता था। आसपास रेडेंस एरिया है, सब्जी मंडी है, होटल्स हैं, तो बड़ा जान माल का काफ़ी नुकसान हो सकता था। उससे पहले ही हमने प्रिकॉशन ये लिया कि हमने बिजली को तुरंत बंद करवाया एसडीओ साहब से बात करके, और हमने पानी वाले से जेई से बात करके पानी को बंद करवाया। अब फिलहाल एहतियात के तौर पे आप क्या कर रहे हैं? हम एहतियात के तौर पे पूरा हमने रोड दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी गाड़ी बाइक इधर से नहीं आ रही है, और गैस का जो रिसाव है वो बंद हो चुका है। अडानी ग्रुप के कर्मचारी अपनी टीम के साथ काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी लाइन डैमेज हो गई थी। किस चीज़ की लाइन थी? एमडीपी पाइपलाइन थी। किस चीज़ की और कौन सी कंपनी की लाइन? गैस लाइन थी, नेचुरल गैस पाइपलाइन थी। कौन सी कंपनी की? अदानी गैस की। तो यहाँ पे क्या मामला हो गया था जिसकी वजह से आपको आना पड़ा है? यहाँ पे हमारी लाइन डैमेज हो गई थी, जो कि हाई प्रेशर से रिलीज हो रही थी, तो वो हम लोग रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमारी टीम है। ये वही पीएनजी की पाइपलाइन है जिससे घरों में गैस सप्लाई की जाती है? बिल्कुल, ये वही है। कितना खतरा होता है अगर इस तरीके के ये लीकेज होती है या हादसा होता है? देखिए, खतरा तो इसमें हो सकता है, लेकिन अभी इसमें हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, गैस भी रुक गई है, तो अब कोई खतरा नहीं है इसमें। फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरीके के हादसे से कितना खतरा हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये जो अपनी गैस पाइपलाइन गैस है, नेचुरल गैस है, ये सेफ है, तो इसमें ऐसा एलपीजी के कंपैरेटिव काफ़ी सेफ है, तो इसमें उस तरह से कोई ख़तरा नहीं है अभी। सर, एलपीजी की तरह ही ये भी घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं, उनकी तरह ही आग देती है? जी बिल्कुल, एलपीजी से रोटियां भी बनती हैं, उन्हीं के ऊपर सारा काम होता है, होता है ना? हाँ हाँ, एलपीजी और नेचुरल गैस में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे एलपीजी होती है वो अगर लीक हो जाए तो ज़मीन में डिस्पर्स होती है, और कहीं पर भी फायर स्पार्क होता है तो वो आग पकड़ लेती है, लेकिन नेचुरल गैस काफ़ी सेफ होती है, अगर कहीं से लीक हो जाए तो वो एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाती है, वहाँ से कोई लीकेज। गैस लीकेज में किसकी गलती मानते हैं? कोई देखिए, गैस लीकेज में मैं टोटली जो ये ओएफसी लिंक करने वाले हैं वो उनका प्रॉब्लम रहती है, वो बिना कोऑर्डिनेशन के काम करते हैं, हमारी लाइन डैमेज हो जाती है, तो वो हमको बिना बताए काम करते हैं, इसलिए ऐसा होता है।